मऊ जिले के पंचायत चुनाव में अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है। विकास खंड पे जो नामांकन पर्चा बिक रहे हैं वहां पर कर्मचारी अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला विकास खंड कोपागंज में सामने आया, जहां पर जिलाधिकारी अमित कुमार बंसल निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने शिकायत किया कि अवैध तरीके से नामांकन फार्म के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेकर के जिलाधिकारी ने वरिष्ठ लिपिक मंजू सिंह को निलंबित कर दिया। मंजू सिंह पर विभागीय कार्रवाई हो गई है। उसके बाद जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में कहीं भी कोई अवैध कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने निरीक्षण किया कि पंचायत चुनाव के बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं, और ब्लॉक कोपागंज में निर्वाचन पत्रों की बिक्री के संबंध में हमने कुछ लोगों से बातचीत करी। हमारे संज्ञान में लाया गया कि उनसे न्यूडियो सर्टिफिकेट के नाम पे किसी बाबू के द्वारा धनराशि की मांग की जा रही है, जिसमें हमने मौके पर SDM और तहसीलदार सदस्य जाँच कराई। जाँच में प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने पर संबंधित जो बाबू हैं लिपिक हैं उनको कल सस्पेंड कर दिया गया है। जनपद में यदि किसी व्यक्ति से कहीं पर अवैध रूप से धन की मांग की जाती है, ऐसे प्रकरणों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।